हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वन प्लस एट प्रो के बारे में तीन रीजन्स ऐसे बताने वाला हूँ जिसके कारण वन प्लस एट प्रो को परचेज करना चाहिए, और फाइव रीजन्स ऐसे जिसके कारण वन प्लस एट प्रो को परचेज नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या वन प्लस एट प्रो हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतर पाया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बता दूं, तो इसमें 6.78 इंचेस की FHD प्लस फुल एड एमोलेड डिस्प्ले दी जाती है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें 2020 का फ्लैशी प्रोसेसर यानी कि स्नैपड्रैगन 865 दिया जाता है जो 5G को सपोर्ट करता है। और अगर कैमरा की बात करें तो इसमें पीछे की तरफ क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है 48+48+8+5, और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलता है। वन प्लस एट प्रो में 4510 mAh की बैटरी दी जाती है जो 30T के वॉप चार्जर के साथ आता है। ये तो हुई स्पेसिफिकेशन की बात, चलिए बात कर लेते हैं उन रीजन्स की जिसकी वजह से वन प्लस एट प्रो को बाय करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं तीन ऐसे रीजन्स की जिसकी वजह से वन प्लस एट प्रो को बाय करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट रीजन की। अगर बात करें अपने फर्स्ट रीजन की जिसकी वजह से वन प्लस एट प्रो को कंसीडर करना चाहिए, तो वन प्लस एट प्रो में बाकी सब वन प्लस फोन्स के मुकाबले अच्छे रेयर कैमराज दिए जाते हैं। इसमें पीछे की तरफ क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, लेकिन यह सोनी का नया सेंसर IMX671 पर बेस्ड है जो 64 मेगापिक्सल सोनी IMX686 को टक्कर देगा। और हम तो जानते ही हैं कि वन प्लस के फ़ोन्स के कैमरा की क्वालिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन बेटर होती है। इसमें सेकेंड कैमरा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, थर्ड कैमरा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड फोर्थ कैमरा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। और मुझे लगता है कि वन प्लस एट प्रो का रेयर कैमरा बाकी सब वन प्लस के फ़ोन्स के मुकाबले ज़्यादा बेटर होने वाला है। दूसरे रीजन की बात करें तो अब की बार वन प्लस एट प्रो में हमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला। माय गॉड, वाओ, 20 वॉट का वॉप वायरलेस चार्जिंग होने वाला है जो अभी तक हमें किसी वन प्लस के फ़ोन में देखने को नहीं मिला है, लेकिन वन प्लस एट प्रो में हमें देखने को मिलेगा। और वन प्लस क्लेम कर रहा है कि यह वन प्लस एट प्रो को 30 मिनट्स में 56% चार्ज कर देगा, और वो भी वायरलेस, जो कि अच्छी बात है। थर्ड एंड लास्ट रीजन की बात करें जिसकी वजह से वन प्लस एट प्रो को परचेज करना चाहिए, तो वन प्लस एट प्रो में IP68 का वाटर रेसिस्टेंट होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि वन प्लस 70 प्रो में भी तो वाटर रेसिस्टेंट था, तो हाँ, वन प्लस क्लेम करता है कि वन प्लस 70 प्रो में वाटर रेसिस्टेंट है, लेकिन अगर आप वन प्लस 70 प्रो को पानी में गिरा देते हैं तो यह आपके स्मार्टफोन को उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा जितना वन प्लस 8 प्रो। एक तरह से आप इसे वन प्लस 70 प्रो का अपग्रेडेड भी बोल सकते हैं। ये तो हुई वो तीन रीजन्स जिसके कारण वन प्लस एट प्रो को कंसीडर करना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं वो फाइव रीजन्स जिसके कारण वन प्लस एट प्रो को बाय नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले रीजन से। तो वन प्लस एट प्रो हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाला है प्राइस के मामले में, क्योंकि वन प्लस एट प्रो का बेस वेरिएंट 64999 से शुरू होने वाला है जिसमें 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज मिलती है, और इसका सबसे हायर वेरिएंट 12GB की रैम एंड 256GB की स्टोरेज के साथ आता है जो अराउंड 74999 में मिलता है। और अगर आप इससे भी डिसअपॉइंट नहीं हुए हैं तो इंडिया में GST 12% से 18% होने के कारण यह स्मार्टफोन इससे भी ज़्यादा महंगा हो सकता है। अबे साले, जब माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ।
मतलब भाई यह चल क्या रहा है। मतलब पहले वन प्लस को बोला जाता था फ्लैगशिप किलर फ़ोन आ गया, लेकिन अब से तो ये खुद ही फ्लैगशिप फ़ोन बन गया। और जब भाई मैंने इसके प्राइस के बारे में सुना तो मैं भी डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि पहले हम वन प्लस को एप्पल से कंपेयर करते थे, लेकिन अब यह खुद एप्पल के पास जा पहुंचा। इससे अच्छा तो हम एप्पल के फ़ोन से कंसीडर कर लें। वैसे इसके प्राइस के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके अपनी राय हमसे शेयर करना ना भूलें। दूसरी जन की बात करें तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, ये लोग तो पैसा सिर्फ बचाना चाहते हैं। इसमें UFS 3 का सपोर्ट मिलता है, मतलब हम 75,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन यह UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करा सकते। इनके इस कारनामे के लिए तो इनके लिए तालियाँ बजनी चाहिए। थर्ड रीजन भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि वन प्लस 8 प्रो में हमें लगा कि 65 वॉट या 55 वॉट का फास्ट चार्जर मिलेगा, लेकिन नहीं, वही पुराने वाला चार्जर को बॉक्स में ठूस दिया, यानी कि 30T का वॉप चार्जर, मतलब एटलीस्ट 50 वॉट का भी तो दे देते तो इनका क्या चला जाता। इतना पैसा खा रहे हैं लेकिन 50 वॉट का फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है वन प्लस वालों के लिए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। फोर्थ रीजन की बात करें तो वन प्लस 8 प्रो में हमें उतनी ज़्यादा अच्छी सेल्फी कैमरा प्रोवाइड नहीं किया गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन प्लस 8 प्रो में एटलीस्ट 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, फिर से कंजूसी 16 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल फ्रंट कैमरा मिलता है। हाँ, मैं मानता हूँ 16 मेगापिक्सल का वन प्लस का कैमरा भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उतना नहीं जितना 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा करेगा। फिफ्थ एंड लास्ट रीजन की बात करें जिसकी वजह से वन प्लस 8 प्रो को परचेज नहीं करना चाहिए, तो इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिलता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आजकल फ्लैगशिप फ़ोन में 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिलता है, लेकिन जो है वो है। तो क्या लगता है आपको कि क्या वन प्लस 8 प्रो को परचेज करना चाहिए कि नहीं, और परचेज करना चाहिए भी तो क्यों करना चाहिए, नीचे कमेंट करके अपनी बात रखिए। और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूले। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।